लेकिन अब अगली खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं, विवादों में रहती हैं। अब वो एक बार फिर से विवाद में हैं और इस बार उनके विवाद में आने की वजह है किसान कानूनों की वापसी की मांग। इसे लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया है, कांग्रेस ने घेरा है, बीजेपी ने किनारा कर लिया तो कंगना ने अपना बयान जो है उस पर खेद जता दिया। लेकिन बात कंगना की माफी से रुकी नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। अपडेट आपको बता दें कि किसानों पर कंगना के बयान पर घमासान बढ़ गया है। कंगना के बयान पर बीजेपी के नेता बंटे हुए दिख रहे हैं। सांसद हैं सीपी जोशी, वो कंगना के समर्थन में उतरे, किसान कानूनों पर चर्चा हो ये कह रहे हैं सीपी जोशी। तो कंगना के समर्थन में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि किसान हित में लाए गए थे बिल। मैं सोचता हूं ये सारा एक चर्चा का विषय है, क्या इस देश के हित में है, क्या किसान के हित में है, ये निश्चित रूप से चर्चा होके पहले भी कई लोगों से चर्चा होने के बाद जो भी कानून बने होंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में है, जो किसान के हित में है, उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहां जो आंदोलन था वहां नासिक टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है उन बिलों को लागू करें। तो इसमें हम कंगना रनौत जी की बात का मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं तो ये बात पहले दिन से कहता आ रहा हूं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कंगना पर बरसे बीजेपी के नेता जयवीर शेरगिल, किसानों के खिलाफ कंगना के लगातार बयान। कंगना के बयानों से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे काम को भी नुकसान पहुंच रहा है, कंगना के बयान निराधार और अतार्किक, ये बात कही गई जयवीर शेरगिल की तरफ से। तो कंगना के बयान को लेकर आप देखिए किस तरीके से उन्हें घेरा गया है। कंगना पर बरसे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जयवीर शेरगिल, किसानों के खिलाफ कंगना के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और कंगना के बयानों से प्रधानमंत्री मोदी के जो अच्छे काम है उसको नुकसान पहुंचता है, जयवीर शेरगिल ने यह बात कही है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उन्होंने डाला वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसका लबोलुभाव यही कि कंगना का बयान जो है उन्हें रास नहीं आ रहा है और इसी पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की। उनका यह कहना कि कंगना जो बयान दे रही हैं उससे नुकसान होता है पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी के जो अच्छे काम है उसको भी नुकसान पहुंचता है। मेरे साथ इस वक्त सचिन, मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। सचिन, कुल मिलाकर बीच चुनाव, हरियाणा चुनाव के बीच जिस तरीके का बयान कंगना ने दे दिया, क्या आपको लगता है कि उनके यू टर्न ले लेने से यह मसला थम जाएगा? जी अखिलेश, देखिए चुनाव में महज 10 दिन बचे हैं और 10 दिन पहले कंगना रनौत का इस तरीके से बयान देना, क्योंकि अब शब्द जो हैं वो जुबान से निकल चुके हैं, उनको वापस लेना जो है वो संभव नहीं है। अब जितनी चाहे सफाई दे दी जाए तो डैमेज जो है अब कैसे कंट्रोल करना है बीजेपी के लिए वो चिंता है। पहले डैमेज किया था जब किसान आंदोलन को लेकर ही बयान दिया था कंगना रनौत ने, उस वक्त भी बीजेपी की लीडरशिप हरियाणा की काफ़ी नर्वस नज़र आ रही थी, सफाई जो है देते नहीं बन रही थी उनसे, और अब एक बार फिर से 10 दिन पहले चुनाव से पहले कंगना रनौत के इस तरीके के बयान देना और बाद में सफाई देना और मैं वापस लेती हूँ अपने शब्द, ये कहना जो है, पर जो होना था वो हो चुका है अब, क्योंकि कंगना रनौत के शब्द जो हैं वो लोगों तक पहुँच चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कैसे इसको जो है अब काउंटर करेगी आने वाले 5-7 दिनों में, जब चुनाव जो है बिल्कुल पीक पे होगा। ये कुछ एक दिन है जब चुनाव का प्रचार जो है बिल्कुल अपने पीक पे जाएगा और ऐसे माहौल
में कंगना रनौत की स्टेटमेंट ने जो है बीजेपी की लीडरशिप जो है हरियाणा की उसको जो है पशुपेश में डाल दिया है। बेशक सफाई दी है कंगना रनौत ने, अपने शब्द जो हैं वो वापस लिए हैं, पर बार बार कंगना रनौत की इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हरियाणा बीजेपी को जो हैं वो जो हैं पशुपेश में डाल रही हैं और बीजेपी लीडरशिप जो है वो असहज जो है नज़र आ रही है इन डेवलपमेंट्स को लेके, खासकर ऐसे दौर में जब बीजेपी जो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी जो है पार पाना चाह रही है, मेहनत जो है बीजेपी के लीडर्स जो हैं इसके लिए कर रहे हैं, पर इस तरीके के बयानबाजी जो है बीजेपी लीडरशिप के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो बेशक कंगना ने जो है सफाई दी है, पर आने वाले 5-7 दिनों में बीजेपी प्रचार में जो है इसको कैसे काउंटर करेगी, क्योंकि ये अब बार बार उठेगा जो है आने वाले 5-7 दिनों में चुनाव प्रचार में, जिस तरीके की कंगना के जो शब्द जो हैं किसान आंदोलन को लेकर या फिर 3 खेती कानूनों को लेकर जो हैं वो रहे। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से किसान आक्रोशित बताए जा रहे थे, हरियाणा हो या फिर पंजाब की बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि उसमें आग में घी डालने का काम कर देती हैं कंगना जब इस तरीके के बयान वो दे देती हैं। सियासी घमासान की स्थिति है, और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कंगना ने अपने बयान पर सफाई दी। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि कंगना ने क्या कहा था जिस पर विवाद हुआ और उसके बाद अब उन्होंने यू टर्न लिया है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज वापस मांगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक यू। तो बयान देती हैं कंगना, उस पर सफाई फिर पेश कर देती हैं, यू टर्न ले लेती हैं, लेकिन राजनीति में जो बातें कही जाती हैं वो बहुत दूर तक फिर पहुंच जाती है। तो क्या इसका बीजेपी को नुकसान होगा, ये सवाल तो है। कंगना के बयान पर बीजेपी के नेता वैसे बटे हुए दिख रहे हैं। सीपी जोशी ने उनका बचाव किया कंगना का, वो कह रहे हैं कि किसान कानून पर चर्चा हो, ये सीपी जोशी का कहना है। किसानों के हित में है मोदी सरकार, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत ने जो बात कही उस पर बीजेपी के अंदर भी अलग अलग सुर हैं। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि जितने भी किसान के कानून थे उन्हें वापस लाया जाए, किसानों को खुद मांग करनी चाहिए। आप खुद किसान हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है वो अकल्पनीय है। एक प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ था और उसको आगे बढ़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देखिए कि आज़ादी के बाद पहली बार किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए, पहली बार भाजपा की सरकार ने सोचा। एक किसान को अपना खाद बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड भाजपा की सरकार लेके आई। गांव में किसान को आने जाने के लिए सड़क बने ताकि वो अपनी उपज को, दूध को मंडी तक ले जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो चाहे नेशनल हाईवे हो, ये पहली बार भाजपा की सरकार में शुरू हुआ। तो आखिर क्यों
ये सब काम कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं हो पाया इतने सालों तक? ये नरेंद्र मोदी जी थे जो किसान के खाते में पहली बार पैसा पहुंचना शुरू हुआ। आपको लगता है दोबारा लाने चाहिए कानून, जितनी डिबेट हुई, जितने आंदोलन हुए उसके बावजूद? देखिए, मैं सोचता हूं ये सारा एक चर्चा का विषय है, क्या इस देश के हित में है, क्या किसान के हित में है, ये निश्चित रूप से चर्चा होके पहले भी कई लोगों से चर्चा होने के बाद जो भी कानून बने होंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में है, जो किसान के हित में है, उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में ऐतिहासिक काम हुए हैं।